हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य है और आप देख रहे हैं मेनिया टेकअप। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो इस फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम इस फोन के बारे में बात करने वाले हैं। OnePlus 60, इसका बॉक्स आ चुका है मेरे पास, तो आइए जल्दी से बिना किसी इंतजार के जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं यहीं पर, और देखते हैं इसके कुछ कमाल स्पेक्स, फीचर्स और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो आपको पता है इसके अंदर कूल जो है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू। तो दोस्तों, OnePlus 60 आ गया अपने पास OnePlus की कम्युनिटी की तरफ से। तो आइए जल्दी से इस बॉक्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ऊपर आपको ये मिल जाता है एक पैड सा लगा हुआ, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। ऊपर बड़ा बड़ा हाइलाइट्स में मेंशन है 60। थोड़ा बॉक्स गंदा हो गया अभी, ये OnePlus 60 की ब्रांडिंग है। इधर की साइड मिलता है आपको OnePlus 60 की ब्रांडिंग, इस साइड अनलॉक द स्पीड। हाँ दोस्तों, फास्ट फिंगरप्रिंट मिलने वाला है आपको इसके अंदर, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन मिलने वाला है। आप सबको पता ही है स्नैपड्रैगन 845 के साथ ये पावर्ड है, और जो इसका ये मिरर ब्लैक फिनिश है मेरे पास 128 GB वाला, जो इसका बेस वेरिएंट है, वो इस बार 128 GB में इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो और थोड़ा प्राइस वगैरह पे हाईलाइट दें तो हम इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर आपको 37,999 रुपीज़ का आपको पड़ रहा है फ़ोन। तो जल्दी से आओ, इस बॉक्स को मैं खोलता हूँ आपके सामने। आइए जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये ऊपर रखा हुआ आपको मिल जाता है ऊपर बॉक्स के ऊपर फ़ोन, सबसे ऊपर ये प्यारा सा फ़ोन मिरर ब्लैक फिनिश में आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है फ़ोन। तो मैं इसको एक मिनट रखता हूँ साइड में। ये ऊपर रखा हुआ फिर मिल जाता है आपको ये डब्बा, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा सा है, सॉलिड, काफ़ी मतलब बॉक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हैं लोग। और फिर इसमें मिल जाता है आपको बेसिक सा केस मिल जाता है एक के अंदर रखा हुआ, तो काफ़ी अच्छा केस है, काफ़ी मतलब प्रोटेक्ट करेगा आपके फ़ोन के ऊपर। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके अंदर बेसिक सा पेपर वर्क मिल जाता है आपको, और ये बड़ा सा मिल जाता है। चलो और रखते हैं इसको साइड में। और बॉक्स के ऊपर बात करें तो ये इनविटेशन लेटर, OnePlus की तरफ से इनविटेशन लेटर आपको अवार्ड फ्रॉम, इसको ओपन करें तो ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, छोड़ो इसको बाद में पढ़ते हैं। सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है यहाँ पर आपको, बेसिक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फ़ोन का। हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, इसको रखता हूँ साइड में। और मिल जाती है आपको यहाँ पे OnePlus की फेमस डैश चार्जिंग, जिसे OnePlus बोलता है, कि केबल मिल जाती है काफ़ी मोटी थिक, और आपको पता ही जैसे टाइप सी मिल रहा है इसके ऊपर, ये काफ़ी अच्छी बात है आपको मिल रही है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको मिल रहा है एक पावर ब्रिक OnePlus का, एक बड़ा सा डैश चार्जिंग जिसे बोलते हैं, डैश इसके ऊपर हाईलाइट भी है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी पावर आउटपुट आपको पता है ये 5 वोल्ट 4 एम्पेयर्स है, 5 वोल्ट 4 एम्पेयर्स काफ़ी अच्छी बात है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पार्ट है इसका, वो है ये। हाँ दोस्तों, डोंगल दिया है, कम से कम एप्पल की जैसे कंजूसी नहीं की इन लोगों ने, एक डोंगल दिया आपको, तो यानी कि 3.5 mm का जैक का मर्डर इन लोगों ने पहले ही कन्फर्म किया है इस चीज़ को। बॉक्स कंटेंट को आप रखते हैं साइड में, अब मेन हाईलाइट फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, और कवर के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके केस के ऊपर। ये है फ़ोन मेरे सामने की तरफ, आपको डिस्प्ले मिल रहा है इसके अंदर, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ इसके लिए। तो फ़ोन के ऊपर बात करें तो आपको डिस्प्ले मिल रहा है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा सा डिस्प्ले मिल रहा है, इतना बड़ा एज टू एज है। जो नीचे वाला कर्व है ये OnePlus 6 जो है उससे कम कर दिया है, ऊपर की तरफ जो नॉच आता था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन लोगों ने। और के ऊपर बात करते हैं, काफ़ी क्लासी सा कवर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर एक ब्लैक कलर के साथ, क्योंकि आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट कैची है, मिरर ब्लैक फिनिश मिल रही है, पीछे OnePlus की ब्रांडिंग मिल रही है, ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो डिस्प्ले के अंदर फ्रंट में है, और काफ़ी फिंगरप्रिंट कैची है आप देख सकते हो, जैसे कि शाइन में मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, ये देखो काफ़ी फिंगरप्रिंट कैची है। इसमें आपको कैमरा सेटअप मिल रहा है 16+20 मेगापिक्सल का, आपको कैमरा सेंसर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, और नीचे की तरफ यहाँ पे डिज़ाइन बाय OnePlus आ रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक कर्व फॉर्म में फ़ोन मिल रहा है आपको। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है आपको इसमें स्विच करने के लिए, ताकि आप इसे स्विच कर सकते हो साइलेंट मोड, जर्नल मोड, और ये आपको वाइब्रेशन मोड में, ताकि आपको फोन बार बार चेक ना करना पड़े। इधर बात करें पावर अनलॉक लॉक मिल जाता है, मैं इसको जल्दी से रूट करता हूँ, रिबूट करता हूँ। और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे पैरेलल में एक, हाँ ये कैमरा फोकस किया मैंने इसके ऊपर। आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल रही है दोनों एक तरफ, सिंगल स्पीकर ग्रिल है, और यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए एक छोटा सा होल है, बाकी सिमेट्री के लिए दिखा रखा है इन लोगों ने। और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एंटीना बैंड्स मिल जाते हैं, फ़ोन हो गया रीसेट, ये स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मिल जाता है एक सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पे सिम ट्रे। सिम ट्रे में आपको ड्यूल सिम मिलता है जैसे कि OnePlus मिलता है, नो मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिलता है आपको,
फोन हो गया दोस्तों सेट, मैं ले आया हूँ फोन को आपके सामने स्क्रीन के आगे, आप देख सकते हो स्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, कोई आईपीएस डिस्प्ले नहीं मिल रहा है इसके अंदर। और तो जल्दी से चलते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैन को टेस्ट करते हैं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्लीन ऑक्सीजन ओएस मिलता है आपको इसके अंदर, सबसे अच्छी बात जो वन प्लस की है, क्लीन ऑक्सीजन ओएस मिल रहा है आपको इसके अंदर। तो दोस्तों आओ जल्दी से इसका फिंगरप्रिंट चेक करता हूँ, क्योंकि इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला मेरा पहला फ़ोन है जिसको मैं अनलॉक करने वाला हूँ। तो फेस अनलॉक और इंडिस्प्ले आपको दोनों चेक करके बताता हूँ मैं इसके अंदर। इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसके अंदर, ये गया, हम इसके अंदर पैटर्न रखते हैं, हम लोग एम फॉर मेनिया टेक हब अपने चैनल का नाम जो है वो डालते हैं। चलो स्टार्ट कन्फर्म किया, हाइड हुइड करते हैं बाद में हम सब कुछ। हाँ ये लगाया मैंने, देखो थोड़ा सा स्लो है, जो आपको फिजिकल बैक साइड में जो आपको फिंगरप्रिंट मिलता है उससे थोड़ा सा स्लो है ये, उतना फास्ट नहीं मिलता आपको ये, पर अभी अर्ली स्टेज में है और इन डिस्प्ले के अंदर है, तो टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितना फ्यूचरिस्टिक चीज़ सी लग रही है कि डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी कमाल लग रहा है डिस्प्ले। जल्दी से सेट करता हूँ मैं इसको जितना जल्दी हो पाए, ये हो गया, अभी देखते हैं कितना फास्ट है। किया ऑन मैंने, वाह ये जैसे मैंने लॉक किया दोस्तों, देख सकते हो आप, ये अभी डिस्प्ले रखा मैंने, ये रखा मैंने, और हाँ मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, थोड़ा सा स्लो मिलता है आपको, जैसे पीछे की तरफ वन प्लस में जो बैक साइड में आपको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वाला फीलिंग आती है बताए, और लैक नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये आप किसी भी कॉर्नर से आपने लगाया इसको सेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फेस अनलॉक मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ इसका, फेस अनलॉक तो डेफिनेटली स्मार्ट फास्ट होने ही वाला है, क्योंकि वन प्लस पहले भी वन प्लस का फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। ओके ये रीड किया इसने डाटा, ओके अब जैसे कि ये देखो, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, जैसे ही देखा तुरंत अनलॉक, नहीं देखा जैसे ही देखा तुरंत अनलॉक, एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं ये क्लिक किया तुरंत अनलॉक, आपको लॉक स्क्रीन भी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती एक बिल्कुल। दोस्तों आओ थोड़ा सा इसका कैमरे हाईलाइट पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसके कैमरे के ऊपर फिंगरप्रिंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसका कैमरा हाईलाइट जो है इसके ऊपर बात करते हैं। ये मैंने इसको रखा है और मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके बताता हूँ आपको, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, मैं इसकी क्लिक करके बताता हूँ आपको एक इमेज फ़ोटो। कुछ जो कैमरा सैंपल्स मैंने इसके अंदर डाले हैं आप चेक कर सकते हो यहाँ पर वीडियो के अंदर, काफ़ी कमाल कैमरा सैंपल्स है, कैमरा शॉट्स हैं इसके अंदर, पोर्ट्रेट शॉट्स भी हैं, कुछ नॉर्मल्स है, 2x ये नॉर्मल शॉट है, और एक 2f ऑप्टिकल जूम है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जूम करता है इसके अंदर, 2f ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको, कैमरा पीछे की तरफ 20+16 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो 20 megapixel है वो टेलीफोटिक लेंस है और डेप्थ सेंसिंग के लिए लेंस है, तो काफ़ी कमाल फ़ोन है और काफ़ी कमाल स्पेक्स के साथ ही आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा जो कि काफ़ी कमाल फ़ोन है, काफ़ी कमाल स्पेक्स के साथ ही आ रहा है, तो 845 के साथ ये पावर्ड है, और जो इसके अंदर जो आपको वो मिलती है बैटरी मिलती है वो 3700 mAh की, और जो सबसे कमाल बात है OnePlus 6 और OnePlus 6T में दोनों का चार्जिंग टाइम सेम है। मैं आपको कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसकी तरफ से, मेरी तरफ से, और 2-3 दिन में आपको उसका रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट रिव्यू वीडियो, मिल जाएगा आपको पबजी कैमरा एक्सपीरियंस सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, और कैमरा क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, सारे शॉट्स कैमरा शॉट्स हैं इस फ़ोन के जो कि बहुत ही क्लासी लगे मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और मेरे को अपग्रेड लगा इस कैमरा को वन प्लस सिक्स के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। इसका कंपेरिजन वीडियो आपको मेरी तरफ से काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। OnePlus 6T इज हियर, सो प्लीज़ थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।